हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अबाउट द कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। 2022 के अंदर अभी वी डिड अ रीसेंट सर्वे जिसमें वी हैव फाइंड आउट कि दैट 5500 लोगों का हमने सर्वे किया, 25 से लेकर 75 के एज ग्रुप का हमने सर्वे किया, जिसमें व्हाट वी हैव फिगर आउट कितने परसेंट लोग एनुअली कमाते हैं, लाइक मैन और वुमेन का अगर मैं रेशियो की बात करता हूँ 50-50 में इनको लेके चलते हैं। इतने नंबर्स में लोग एनुअली पैसा कमा पा रहे हैं, उसी के बेसिस पे लोग इन्वेस्टमेंट आगे कर पा रहे हैं। उसमें पार्ट फ्रॉम डेट जो भी पैसा आप लोग कमाते हो, मेजरली 4 सेक्टर में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। पहला आता है आपका रियल एस्टेट, सेकंड आपका आता है स्टॉक मार्केट, तीसरा आता है आपका गोल्ड में, या चौथा आता है आपका एफडी में। जनरली अगर मैं रियल एस्टेट की बात करता हूँ, लास्ट ईयर 52% लोग इंटरेस्टेड थे, आज की डेट में 59% लोग रियल एस्टेट में ज्यादा इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल एसेट है, सेफर साइड पे है एंड एनी टाइम वो ऐसे तरीके से कह सकता है दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही बढ़ता रहता है एंड एक अच्छा खासा अमाउंट बना के आपको देता है। सेकंड मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर 28% लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, जिसमें स्टॉक मार्केट को एक रिस्की बैट भी किया जाता है कि आप अगर फुल एक्टिव हो जब भी आगे पैसा लगाओ, अदरवाइज स्टॉक मार्केट में लोग कहते हैं कि काफी नुकसान भी लोगों ने खाया हुआ है। तीसरा अगर बात करता हूँ गोल्ड की, आज गोल्ड के दाम भी डे बाय डे बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोग गोल्ड में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं एज कम्पेयर टू लाइक इन एसेट्स के अंदर, क्योंकि उन्हें लगता है कि आज गोल्ड की वैल्यू भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एंड 7% लोग डिम इंटरेस्टेड रहते हैं कि भाई मुझे तो है ना पैसा लिक्विड चाहिए, बैंक में पड़ा है ना ठीक पड़ा, मुझे जब जरूरत होगी मैं पैसा निकाल लूंगा, एटलीस्ट मुझे किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि यार अगर कल कुछ हो गया तो मैं पैसे के लिए किसी को बोलूंगा कि सर मेरा पैसा लिक्विड करा दो, लिक्विड करा दो। सो कहीं ना कहीं मेरा ये एडवांटेज मिल जाता है कि यार मैं ब्याज कम खा लूंगा बट मेरा पैसा मुझे लिक्विड मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से लाइक लोग अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर मैं सर्वे की बात करता हूँ, ये चीजें आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हो, बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड लोग किस तरीके से पैसा अपना इन्वेस्टमेंट किया, किस किस सेगमेंट में कितना कितना परसेंट लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। अब जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, ऑब्वियसली बात है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया उनका कोई ना कोई पर्पज भी होगा। आज जो लोग आप पैसा कमाते हो, इनफैक्ट मैं भी जो पैसा कमाता हूँ, सो मेरा भी एक पर्पज है यार कि आज मैं ये पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे सही घर चाहिए, या मैं अपनी जो सेविंग कर रहा हूँ एक उसको वैकेशन में लेके जाऊंगा, या हो सकता है कि डेट आज जो मैं फंडिंग इकट्ठी कर रहा हूँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे अपने बिजनेस को बड़े करने में लगानी है। सो हमने लाइक एक है ना परसेंटेज वाइज भी इसको डिवाइड किया कि किस तरीके से लोग अपने फंड्स को यूज कर रहे हैं, जिसमें व्हाट वी फिगर आउट 15% लोग अपने रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, 22% लोग अपने इमरजेंसी फंड के लिए बचा के रख रहे हैं, 33% लोग सेविंग अपने घर के लिए कर रहे हैं एंड 17% लोग अपने नए बिजनेस के लिए सेविंग कर रहे हैं। सो इस तरीके से लोग अपनी सेविंग्स को आगे यूटिलाइज कर। अब सबसे बड़ी बात जो आती है कि यार ये रियल एस्टेट की मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, इसको रूल कौन कर रहा है? हर कोई कहता है कि इन्वेस्टर इसको रूल कर रहा है, कोई कहता है कि कोलैबोरेटर रूल कर रहा है, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक ये मार्केट जो रूल हुई है वो हुई है मेजरली एंड यूजर से। क्यों एंड यूजर से मैं कह रहा हूँ कि आज इन्वेस्टर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट देखता है, एंड यूजर कहीं ना कहीं घर देखता है। इन्वेस्टमेंट हमेशा बाद में आई है, घर हमेशा पहला है। सो चाहे पास्ट में ले लो, चाहे आज प्रेजेंट में ले लो, चाहे फ्यूचर में ले लो, एंड यूजर ही आगे आते हैं, घर लेते हैं एंड वो इस मार्केट को थोड़ा सा गर्मा गर्माई कर देंगे। इन्वेस्टर आते हैं बट वो कमर्शियल को गर्मा गर्माई करते हैं, बट हाँ ओवरऑल जो 12 महीने मार्केट चलती है वो हमेशा रेजिडेंशियल की ही चलती है। लास्ट ईयर 69% लोग एंड यूजर या रेजिडेंशियल में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, आज की डेट में वो 2% और बढ़ चुका है, 71% तक आपका रेशियो जा रहा है। सेम नॉट ओनली दिस, इन्वेस्टर्स जो मार्केट के अंदर आज की डेट में आके रोल आउट कर रहे हैं, एक टाइम होता था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की, यार फाइले में फाइले घुमा दिया, पैसा बन गया, ट्रेडिंग कर ली, पैसा आ गया, शॉर्ट टर्म पैसा जिसको हम बोलते हैं। अब वो सारी चीजें, वो सिनेरियो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अब कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 साल का टाइम होराइजन लेके चलना पड़ेगा, जब भी जाके एक अच्छा खासा पैसा आप बना सकते हो, अदरवाइज पैसा नहीं बन पा रहा है। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म विजन लेके जो आ रहे हैं वो इसी ही माइंडसेट से आते हैं, डेट्स वाई वो अपना पैसा बना के इजिली वहां से निकलते हैं। सेंटिमेंट्स में हमने एक चीज और पता करी कि आज अगर मैं रेडी टू मूव की बात करता हूँ, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड आती है, कुल 38% लोग रेडी टू मूव लोग घर देख रहे हैं, बाकी के 62% लोग आज भी अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं। क्यों रेडी टू मूव के प्राइस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? क्यों रेडी टू मूव गुड़गांव में आप लेने जाते हो आपको 5 से 6 ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है? क्यों? क्योंकि सारा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उनमें से यू हैव टू फाइनलाइज, एंड आपको जब सप्लाई नहीं होगी डिमांड होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो सोसाइटी आपकी सबसे पहले सेल आउट होगी, क्योंकि
कोई बंदा आज की डेट में अगर बैंक से लोन भी लेता है, वो नहीं चाहता कि यार मैं रेंट पे भी रहूं और साइड बाय साइड लोन भी देता रहूं, ईएमआई भी देता रहूं। सो लोग ज़्यादा फेवर में रहते हैं रेडी टू मूव के एज कम्पेयर टू अंडर कंस्ट्रक्शन, बट सिचुएशन ये ऐसी है, मार्केट चलती ही ऐसी है कि डेट अंडर कंस्ट्रक्शन की दोबारा डिमांड ज़्यादा क्रिएट की गई है एंड ना चाहते हुए भी लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। अगर हम बात करते हैं कि कितने लोग कितने बीएचके में इंटरेस्टेड हैं, सो सिटी वाइज हमने सर्वे भी किया कि कितने बीएचके में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। दिस इज ऑल्सो यू कैन सी इन माई स्क्रीन, 1 BHK, 2 BHK एंड 3 BHK में कितने लोग मोर इंक्लाइंड हैं। एंड ऑफकोर्स इसमें आप अपने आप को भी एड ऑन कर सकते हो कि आज आपका क्या इंटरेस्ट है। ये कहीं ना कहीं है कि ये सारे सारे मार्केट के सेंटीमेंट्स हैं, आपके सेंटीमेंट्स हैं, आप ही के ऊपर हमने बात करी हुई है। इसमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन आती है, पहला आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से लोगों को अफेक्ट कर रहा है, जिसमें इसमें रेशियो भी आप चेक कर सकते हो कितना तेज़ी से इन्फ्लेशन आपको अटैक कर रहा है। सेकेंड आता है आपका होम लोन। पास्ट में थोड़ा सा होम लोन आपका कम हुआ, बट अगेन आपका होम लोन अब थोड़े से और महंगे होने शुरू हो चुके हैं। सो मार्केट के अंदर जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाओ या कभी भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ, सारे मार्केट के सेंटिमेंट्स चेक करो। एक दो सेंटिमेंट्स मार्केट के कभी नहीं होते, मार्केट के बहुत सारे सेंटिमेंट्स होते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से फ्रॉम दिस वीडियो, जस्ट टू गिव यू द नंबर फिगर कि एक्चुअल में मार्केट में लोग सेंटिमेंट्स किस वे में काम कर रहे हैं, किस वे में मार्केट चलती है। रेदर देन आप लोग अगर आप अपना पैसा या एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, रेदर देन गोइंग रेंडमली कि यार मैं उसके पास चला जाऊंगा, मेरे रिश्तेदार हैं उन्होंने मुझे रिकमेंड किया तो मैं प्रॉपर्टी ले लूंगा, सो आई वुड से कि ऐसे आप कभी पैसा नहीं बना पाओगे। इट्स अ नंबर गेम, एक्सपर्ट्स की आपको उसमें जरूरत पड़ेगी। एंड अगर आप पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट देख रहे हो एनी अदर सेगमेंट लाइक रेजिडेंशियल के अंदर, कमर्शियल के अंदर, प्लॉट के अंदर, सो फील फ्री टू कॉल अस, विल गिव यू अ कंप्लीट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज वी डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन रियल इस्टेट, सो दैट जो भी आप पैसा लगाने आते हो मार्केट के अंदर, या चाहे आप अपना पहला घर लेने आते हो, सपनों का घर जिसका होता है, या कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, सो कहीं ना कहीं जब आप मेरे पास आते हो तो आपसे ज़्यादा सर मेरी जिम्मेदारी हो जाती है आपको पैसा कमा के देना, पैसा बना के देना, या आपको एक अच्छा घर दिलाना। सो उसी बेसिस पे ही हम सारी चीज़ें बनाते हैं, पूरा पोर्टफोलियो आपका डिज़ाइन करते हैं, एंड देन ओनली आपको एक अच्छी एडवाइस एंड पूरा घर या इन्वेस्टमेंट रिकमेंड करते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम्स है मेजरली कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मुझे कितना होम लोन लेना है, कितना मुझे टाइम पे देना पड़ेगा, क्या ये कंस्ट्रक्शन अच्छी है नहीं है, एंड सबसे बड़ा सवाल क्या 2023 या आज की डेट में ये मंथ मेरे लिए प्रॉपर्टी लेने का अच्छा महीना है या नहीं है। सो माइनर माइनर से लेके मेजर मेजर फैक्टर पे हमने काम किया है। सो माइक्रो माइक्रो दोनों कंसिडर करके ही हम आपको रिकमेंडेशन देते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं देन यू कैन कॉल अस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।